हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और आज एनएन स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं आईपीएल 2020 की। जैसा कि आपको सब पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि आईपीएल, जिसको कि 15 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन किया गया था, अब वो भी आगे के लिए पोस्टपोन हो गया है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आईपीएल के होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन अगर आईपीएल होता है तो उसकी संभावनाएं कितनी होंगी, कब होगा, कैसे उसका स्केड्यूल होगा, इस बारे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आईपीएल जो है वो लगातार पोस्टपोन होता जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आईपीएल 2020 की। आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर संकट और भी गहराता हुआ दिख रहा है। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब तो अप्रैल में ही नहीं बल्कि कम से कम 2 से 3 महीने के लिए आईपीएल टलता हुआ दिख रहा है। पहले जब देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था तब इसकी मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही थी। साथ ही बीसीसीआई ने भी आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था, लेकिन अब लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 2 से 3 महीने के लिए आईपीएल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर कोई भी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई है। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कहा था कि वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और कुछ फैसला लिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी 13 अप्रैल के लिए, लेकिन 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश को संबोधित किया। उसके बाद से लेकर अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ जानकारियां जरूर आ रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल टीमों को टूर्नामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की जानकारी दी है, जिससे अप्रैल मई में लीग के कराए जाने की संभावना नहीं बची है। अभी तक इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन समझा जा सकता है कि बीसीसीआई ने 8 फ्रेंचाइजी और प्रसारकों समेत सभी संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया है कि लीग स्थगित की जा रही है, रद्द नहीं। एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा कि बीसीसीआई ने हमें सूचित किया है कि आईपीएल अभी स्थगित किया जा रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि साल के आखिर में इसके लिए कोई विंडो निकाल लिया जाएगा। समझा जाता है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा होने के बाद अब अप्रैल मई में आईपीएल कराने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्केड्यूल नजर आ रहा है उसके मुताबिक दिसंबर से पहले आईपीएल का होना मुनासिब नजर नहीं आ रहा है। क्या ये कोरोना का कहर है? क्या कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा फैलने वाला है? ये सब अलग बातें हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का जो स्केड्यूल है और जो कैलेंडर है उसके मुताबिक दिसंबर से पहले आईपीएल का आयोजित होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जून से सितंबर तक भारत में मॉनसून सीजन रहता है। अगर इसी दौरान कहीं आईपीएल कराने पर विचार भी किया गया तो टूर्नामेंट हो नहीं पाएगा। ऐसी संभावना है कि इस दौरान बारिश से मैच रद्द हो जाएंगे। ऐसे में आईपीएल का कोई फायदा नहीं। 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। ये मध्य नवंबर तक चलेगा। हालांकि अभी तक ये भी तय नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप होगा भी या नहीं। इसके बाद भी टीमों की आपसी सीरीज का कैलेंडर तय रहता है। इस शेड्यूल के बीच ही बीसीसीआई को आईपीएल के लिए खाली तारीखें तलाशनी होंगी। ऐसा होता है तो भी दिसंबर के पहले आईपीएल होना संभव नहीं लग रहा। इन स्थितियों में आईपीएल का फॉर्मेट भी पहले से छोटा हो सकता है। इससे पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कहा था कि आईपीएल को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब आईपीएल कब शुरू होना था, कब खत्म होना था, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आईपीएल को लेकर तमाम सस्पेंस जो है वो अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि आईपीएल पहले 29 मार्च से शुरू होना था। पहला ही मैच पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना था। सारा स्केड्यूल तय हो गया था, टीमों ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, टीमों के खिलाड़ी अपने अपने कैंप पे प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अचानक से कोरोना वायरस सामने आया और देखते ही देखते इसने सभी को अपनी जद में ले लिया। पूरी दुनिया की तरह भारत भी प्रभावित हुआ और उसके बाद हाहाकार मच गया। भारत की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसका समय 14 अप्रैल तक था। इसी के साथ बीसीसीआई ने भी आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि अब एक बार फिर लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आईपीएल के फिलहाल आयोजन पर पानी फिर गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये तो तय है कि आने वाले दिनों में ना तो क्रिकेट होने वाला है और ना ही आईपीएल। आईपीएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको एनएन स्पोर्ट्स पर मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी करें।